सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। नमस्कार, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मान्यता है हनुमान जी कलयुग के सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। उनके आशीर्वाद से सभी बिगड़े काम चुटकी में पूरे हो जाते हैं। श्री राम कथा और हनुमान चालीसा के पाठ में उनकी मौजूदगी का एहसास कई लोगों को होता है। वैसे तो हनुमान जी की आराधना से सारे काम सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो उनकी आराधना से बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम। कर्ज से मुक्ति मिलना। जी हाँ, मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। ये दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा दिन है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें। बुधवार और रविवार को कभी भी किसी को उधार ना दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। अगर आपको भूत पिशाच का डर है तो हनुमान जी का स्मरण करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जहां महावीर का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भी डर से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी या जेल बंधन से परेशान हैं तो हनुमान जी के इस उपाय को अपनाइए। हनुमान जी के अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ यानी बंधनों से मुक्त करने वाला नहीं है। जो भी सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उसे कभी जेल नहीं जाना पड़ता, वह मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। घटना और दुर्घटना जैसी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ों से बचाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, कभी कभी सुंदरकांड और बजरंग बाण भी पढ़ें। तो ये सारे वो उपाय हैं जिसे करने से हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।